I have a well-shuffled deck of 52 playing cards. Write down the probability of getting the following out of a deck of card when a card is drawn. ठीक है, तो अपने पास क्या गिवन है, एक deck of playing card है जिसमें 52 total cards होते हैं. तो अपन एक card draw कर रहे हैं, तो अपने को probability बतानी है कि ये in different case में इसकी probability क्या होगी. ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो total cards अपने पास कितने हैं, total अपन एक deck ले कर रहे हैं और एक डेक में अपने पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स उसमें 52 होते हैं. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एस की बात करूँ, नंबर ऑफ एस क्या होता है, 4. ठीक है, 4 अपने पास वन ऑफ ईच टाइप होता है. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टोटल एसेस कितने होते हैं, 4 होते हैं. ठीक है, वन स्पेड के, वन क्लब के, वन हार्ट के और वन डायमंड के. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेड 10 की बात करूँ, ठीक है, अ कार्ड नंबर ऑफ रेड 10 कार्ड. ठीक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल अपने पास, रेड कार्ड टोटल अपने पास 26. ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बोलो तो 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं. ठीक है, और इसमें अगर अपन देखें तो 26 रेड में कितने 10 होंगे, 2 10 वाले कार्ड होंगे, 2 10 नंबर वाले कार्ड्स होंगे. ठीक है, तो यही अपन ने लिखा है, नंबर ऑफ रेड 10 कार्ड्स कितने होंगे, 2 होगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें ए डायमंड क्वीन. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें नंबर ऑफ डायमंड क्वीन कितना होगा, नंबर ऑफ डायमंड क्वीन होता है 1. ठीक है, डायमंड के कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, डायमंड के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बोले तो डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13, और 13 में 1 जो होता है, 1 क्यून होता है. ठीक है, उन 13 में 1 ही क्यून होता है. अगर मैं फर्स्ट के लिए ऑप्शन देखें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो ठीक है, तो अगर अपन देखें एसेस कितने कार्ड होते हैं, ये कार्ड होते हैं 4 और टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास 1/13. ठीक है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/13. अगर मैं यहाँ पे पार्ट 2 सॉल्व करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 10 कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 10 कार्ड, ठीक है, रेड 10 कार्ड कितने होते हैं, 2. ठीक है, रेड 10 कार्ड अपने पास 2 होते हैं और टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/26. ठीक है, अब अपन मैं थर्ड पार्ट इसके लिए सॉल्व करूँ, तो थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्वीन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड क्वीन कितने होते हैं टोटल, डायमंड क्वीन टोटल 1 ही होगा, तो यह आ जाएगा 1/52, तो ये इसके प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे. ठीक है,